नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से संश्लेषित अपमार्जक के बारे में यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होते हैं वो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फ्यूरिक या सल्फोनिक एसिड जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं, उसके सोडियम लवण को ही हम लोग क्या कहते हैं, को ही हम लोग संश्लेषित अपमार्जक कहते हैं। ये जो संश्लेषित अपमार्जक होते हैं इसे कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया है और यह साबुन की तुलना में काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये साबुन नहीं होते हैं परंतु साबुन के समान ये कार्य करता है और साबुन से ये ज़्यादा जो है वो झाग दे करके कठोर जल में भी ये आसानी पूर्वक झाग दे देता है। अपमार्जक जो होते हैं इसके दो इसके अणु को आप इस तरह से बांटो तो दो भाग में ये बटेंगे। एक होता है कि हाइड्रोकार्बन वाला भाग जो जल विरोधी भाग होता है और दूसरा होता है आयनिक भाग जो कि जल स्नेही भाग होता है, ठीक है। और अपमार्जक को दो भागों में बांट दिया गया है। अपमार्जक एक होता है धन आयनिक अपमार्जक और एक होता है ऋण आयनिक अपमार्जक। खैर उन सब चीज़ों के बारे में गौर नहीं हमें करनी है, हमें ये जानना है कि जो अपमार्जक होते हैं वो किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। एक और बात इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जिसमें यह पूछा जाता है कि अपमार्जक और साबुन के बीच में डिफरेंस क्या है यह बताया जाए। तो इसका जो बीच का जो डिफरेंस है वो ये है कि कठोर जल में अपमार्जक जो होते हैं वो आसानी पूर्वक झाग दे देता है। शुरुआत में जब साबुन का खोज हुआ था उसमें आसानी पूर्वक जो है वो झाग नहीं देता था। साबुन कठोर जल में आसानी पूर्वक नहीं घुलता है, वो झाग नहीं देता है, लेकिन ये झाग दे देता है।